दिल्ली पुलिस ने ISIS आतंकी रिजवान अब्दुल को पकड़ने में बड़ी कामयाबी की हासिल। रिजवान के सर पर था 3 लाख रुपए का इनाम। NIA की लिस्ट में था मोस्ट वांटेड। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित आबकारी नीति मामले में मिली जमानत। न्यायालय ने लगाई शर्तें, पासपोर्ट भी करवाना होगा जमा। सांसद जयराम रमेश ने NCERT की पुस्तकों से प्रस्तावना को हटाए जाने के मुद्दे को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस किया जारी। राज्यसभा को गुमराह करने के भी लगाए आरोप। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को न्यायालय से मिली जमानत के बाद आप सांसद संजय सिंह ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सच्चाई की जीत बताया। साथ ही केंद्र सरकार पर भी किए जुबानी प्रहार। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व में रहे अध्यक्ष एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर दिल्ली में AICC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई अन्य नेताओं से मिले। राजनीतिक मसलों पर की चर्चा। सोनीपत पहुंचे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। किसानों के साथ संवाद के दौरान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की बात पर दिया बल। शुद्ध जल, वायु और भोजन बचाने के लिए प्राकृतिक खेती कहा बेहद जरूरी। पंजाब के लिए खुशी की खबर। पंजाब के 3 जिलों पटियाला, रूपनगर व मोहाली में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने मालवा नहर के साथ दशमेश नहर बनाने की बनाई रणनीति। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकते हैं चुनाव। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस मुखिया के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के संबंध में की बातचीत। बता दें, जम्मू कश्मीर में है कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र, 9 ST और 7 SC वर्ग के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, मनीष सिसोदिया की जमानत है सत्य की जीत। राज्यसभा में जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच हुई तीखी नोकझोंक। भाजपा सांसद से माफी की जिद पर अड़ी रही कांग्रेस। विपक्षी दलों ने किया सदन से वॉकआउट।